तो शेखर जी के साथ हमारी ये क्लास स्टार्ट हो रही है वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग। जी हाँ, हम जो कोर्स है अपनी वीवीए मैक्रो पावर प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम इसकी कुछ थ्योरिकल पार्ट को आपको कवर करेंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग को सीखने से पहले कुछ थ्योरिकल पार्ट को समझना जरूरी होता है। तो आज की क्लास हमारी थ्योरी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात जानते हैं वीवीए के बारे में। वीवीए, इसको विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कहा जाता है। विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, देखिए एक कंफ्यूजन मत रखिएगा कि जो वीवी सिक्स होते हैं या वीवी स्टूडियो होते हैं वो वीवीए नहीं है। वीवी सिक्स और वीवी स्टूडियो की मदद से आप एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं, एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं, लेकिन वीवीए के मदद से आप जो है एमएस ऑफिस के अंदर एक फीचर्स को क्रिएट करते हैं, जैसे कि फॉर्मूला हो गया, किसी तरह का मैक्रोज होगी, कमांड होगी। हाँ, प्रोग्रामिंग मिलता जुलता है, पूरी तरह से तो नहीं वीवी सिक्स और वीवी स्टूडियो से, लेकिन कुछ हद तक वीवीए की प्रोग्रामिंग वीवी सिक्स और वीवी स्टूडियो से मिलता जुलता है। सो कन्फ्यूजन, इसी ये कन्फ्यूजन पहले दूर कर लीजिए। वीवीए की मदद से आप एमएस ऑफिस, नॉट एक्सेल, मैं बात कर रहा हूं एमएस ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, इस सब पे वीवीए का इस्तेमाल होता है। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं। एक क्लियर हो गया ना आपको सर? हेलो, यस सर। तो शेखर जी, अगला जो हमारा है टॉपिक, वो अगला है कि वीवीए अगर एक फैक्ट्री है तो इसके प्रोडक्ट क्या क्या है, मतलब कि हम वीवीए से क्या क्या बनाएंगे और उसका बेनिफिट क्या है, इसके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा है मैक्रोज। मैक्रोज, आप बोलेंगे सर ये जो रिकॉर्डिंग मैक्रो होती है वो तो नहीं है। देखिए, रिकॉर्ड की गई मैक्रो या खुद से की गई मैक्रो को मैक्रो ही कहलाता है। रिकॉर्डिंग क्या है कि आपके माउस इवेंट को कोड में कन्वर्ट करता है, मतलब कि वो आपके बिहाफ पे प्रोग्रामिंग कर देता है। जैसे मान लीजिए कि मैं रिकॉर्ड पे क्लिक किया और F1 पे जाके मैंने नेम लिख दिया, तो F1 पे जाके नेम लिखने का कोड आप देखेंगे, इसकी एडिट करेंगे तब, इसको एडिट कीजिए। यहाँ पे उसने लिखने का कोड, यहाँ पे इसने कोड लिख दिया, मतलब कि आप अगर जब मैक्रो लिखोगे तो कुछ इस तरह का ही मैक्रो लिखोगे। तो रिकॉर्ड की गई मैक्रो या खुद से बनाई गई मैक्रो, कोड की गई मैक्रो, दोनों सेम ही होते हैं। तो मैक्रो क्या होता है? मैक्रो एक ऑटो पायलट होता है, मतलब कि एक बार हमने जो कोड कर दिया, देखिए हमने नेम लिखा, कोड कर दिया, अब मैं इसे रन करूंगा तो यहाँ पे नेम लिख जाएगा। तो जैसे कि एक रिपोर्ट आप बना रहे हैं जिसको 10 या 15 या 20 प्रोसेस से गुजारा जाता है, तो जो 20 प्रोसेस है उसको वन बाय वन इस तरह के लाइन ऑफ कोड में कन्वर्ट कर दीजिए। नेक्स्ट टाइम जैसे आप रन करेंगे वो ऑटोमेटिकली 20 प्रोसेस को फॉलो कर देंगे, मतलब कि घंटों का काम मिनटों में कर देगा, एक तरह से ऑटो पायलट की तरह परफॉर्म करेगा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम ऑटो पायलट कह सकते हैं। दूसरा जो बनता है वो बनता है फंक्शन, मतलब कि फॉर्मूला। अब कुछ लोग बोलते हैं कि मेरे पास वी लुकअप, एच लुकअप, ऐसे बहुत फॉर्मूले हैं जो कभी तक मैंने पढ़े ही नहीं है, तो आप फिर नया फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसको कस्टमाइज फंक्शन कहा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, अब वी लुकअप को ही देख लीजिए, वी लुकअप क्या करता है, ये आपका लीनियर वैल्यू शो करता है, मतलब कि वैल्यू 5 बार रिपीटेड है तो पहला दिखाएगा, 4 को नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको ऐसी रिक्वायरमेंट पड़ गई कि मुझे 5 का 5 वैल्यू चाहिए, अब उसके लिए कोई फॉर्मूला है नहीं। अगर आप एरे में जाते हो, बाकी चीज में जाते हो तो लेंथी हो जाएगा, वीवीए में सिंपली लिख लो। और फंक्शन की यूज हम माइक्रोज के अंदर भी और यूजर फॉर्म के अंदर भी करते हैं। तो फंक्शन इट मींस एक नया फॉर्मूला तैयार करते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे यूजर फॉर्म। अब यूजर फॉर्म क्या होता है? यूजर फॉर्म इट मींस इंटरफेस। जैसे होम पे अगर मैं आऊँ, आप जैसे कि पेस्ट स्पेशली है या फॉर्मेट ही है,
तो ये जो पॉपअप आता है ना, इस तरह का पॉपअप को यूजर फॉर्म कहते हैं, इस तरह का पॉपअप ये यूजर फॉर्म कहलाता है। इस तरह के जो पॉपअप है, इस तरह के जो पॉपअप बार है, वो बनाने के लिए हम यूजर फॉर्म का यूज करते हैं। बट क्यों? तो ये क्या होता है, कभी कभी हमें कुछ काम करने के लिए कई सारे इनपुट लेना पड़ता है। जैसे मान लीजिए पिवट टेबल ही लगाना है, तो पिवट टेबल पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं कि पिवट टेबल विथ न्यू वर्कशीट, पिवट टेबल यूज एक्सटर्नल डेटा शीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, न्यू वर्कशीट। मतलब कि अगर इसको हम अलग अलग माइक्रो के तौर पे बनाए, तो हमें कई सारे माइक्रो बनाने पड़ जाएंगे, जिसको यूज करना यूजर के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि यूजर फॉर्म बनाते हैं। वैलिडेट एंट्री के लिए यूजर फॉर्म अपने हिसाब से अपना चॉइस सेलेक्ट करके, जैसे ओके करता है, ओके बटन पे कोडिंग होती है कि दी गई चॉइसेस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट को परफॉर्म करना। तो वीवीए के जरिए हम क्या क्या बनाएंगे, माइक्रोज, फंक्शन, यूजर फॉर्म। सेकंडली समझ में आया आपको? क्लियर क्लियर सर। अब हम बात करते हैं कि वीवीए, हम वीवीए का यूज हम कब करेंगे, मतलब कि व्हेन एंड फॉर कब करेंगे और किसके लिए करेंगे, दो क्वेश्चन यहाँ पे आता है। देखिए वीवीए का यूज दो सिचुएशन में होता है, एक रिपीटेड वर्क। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक रिपोर्ट है, डेली आपको 2 घंटा उस पर लगता है, तो उस रिपोर्ट को आप ऑटोमेट करेंगे तो आपको डेली 2 घंटा जो है बच जाएगा। अब बॉस ने आपको एक एक डेटा भेजा, बोला कि भाई इस पे मुझे एक समरी बना के दे दो, ये वन टाइम है, इन फ्यूचर में पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, और आप मैनुअली इसको बनाने जाओगे तो जल्दी बन जाएगा, तो प्रोग्रामिंग क्यों करोगे? क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए बहुत सारी चीज़ पहले अरेंज करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि प्रोग्रामिंग बस 2 मिनट में हम एक लाइन लिखे हो गया, नहीं, प्रोग्रामिंग लंबी होगा। पहले हमें उसको एक बार एनालाइज करना पड़ेगा, एल्गोरिदम तैयार करना पड़ेगा, फिर उसका कोडिंग करना पड़ेगा, टेस्टिंग करना पड़ेगा अलग अलग एंगल से, तब जाके फाइनलाइज होगा। तो कहने का मतलब कि जो काम हमारा रिपीटेड है, जो बार बार करना है, उसके लिए हम वीवीए मैप को तैयार करें। जो काम सिर्फ एक बार आया है, उसमें घंटा डेढ़ घंटा ही लगा, तो हम बना देंगे, तो वीवी यूज क्यों करेंगे? तो पहली सिचुएशन होती है रिपीटेड वर्क, वीवी यूज फॉर रिपीटेड वर्क। क्या वीवी का इस्तेमाल करेंगे रिपीटेड जॉब के लिए, जो जॉब आपको बार बार करनी है, ऐसे कामों के लिए वीवी का इस्तेमाल करेंगे पहले। दूसरा सिचुएशन आता है लेंथी वर्क, एक ऐसा काम है जो करना एक ही बार है लेकिन काफी लेंदी है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है 200 लोगों को मेल भेजना है, इंडिविजुअली 200 लोगों को मेल भेजना है। आप मैनुअली कंपोज करेंगे तो काफी टाइम लगेगा। दूसरी चीज, कि अगर आप इसके लिए माइक्रो बनाएंगे तो ये काम एक ही बार आया है, लेकिन एक ही बार आया है लेकिन काफी ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। 200 इंडिविजुअली मेल को कंपोज करने के लिए कम से कम 5 घंटे का टाइम चाहिए, और उसकी कोडिंग करने के लिए बहुत होगा तो आधा घंटा काफी है। तो रिपीटेड जॉब एंड लेंदी जॉब के ऊपर हम वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करते हैं। शेखर जी, समझ में आया कि वीवीए प्रोग्रामिंग कब इस्तेमाल करेंगे? क्लियर सर। अब आती है किसके लिए। देखिए जो वीवीए माइक्रो के अंदर में जो जो सिक्योरिटी होता है ना, माइक्रो सिक्योरिटी, वो सिस्टम में बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। मतलब कि अगर कोई माइक्रो यूज ना करता है, उसको अगर आपने फाइल भेजा जिसमें माइक्रो है, तो माइक्रो परफॉर्म नहीं करेगा। जैसे ही वो फाइल ओपन होगा, सिक्योरिटी अलर्ट में अनेबल माइक्रो करने के लिए बोलेगा। अब जो लोग माइक्रो से फैमिलर है, चीज को समझते हैं, वो तो अनेबल करके अपना फाइल पे काम कर लेंगे, लेकिन जो लोग विगनर है, माइक्रो से फैमिलर नहीं है, तो समझेंगे कि भाई फाइल के अंदर में किसी तरह का सिक्योरिटी अलर्ट है, किसी तरह का वायरस है, या किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम है,
फाइल को आगे कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि एक फाइल आपने बनाया, उसको मान लीजिए कि आपको अपने ऑफिस के 100 लोगों को भेजना है। अब 100 के 100 लोग जो है उसके माइक्रो से फैमिलियर तो है नहीं, तो अगर 40 भी अगर माइक्रो से फैमिलियर नहीं है, 40 को आपको इंडिविजुअली बताना पड़ेगा कि भाई माइक्रो अनेबल कर ले। तो मेरा कहना है कि आप जो फाइल को पब्लिकली भेज रहे हो उस पे माइक्रो यूज करना अवॉइड करो। फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि एक्सेल से ही काम हो जाए, सेकेंड प्रायोरिटी होगी मैक्रो। जब देखो कि नहीं नहीं बगैर मैक्रो का नहीं होने वाला है, आफ्टर दैट आप उन फाइलों पे मैक्रो इस्तेमाल करो जो पब्लिकली बहुत सारे लोगों को भेजना है। जो फाइल आपको यूज करना है उस पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ सर जी, कोई डाउट है? क्लियर तो माइक्रो क्या है, माइक्रो सिम क्या क्या बनाएंगे, वीवीए क्या है, वीवीए से क्या क्या बनाएंगे, वीवीए का यूज हम कब करेंगे और किसके लिए करेंगे, ये 4 चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग, ठीक है ना, या प्रिपरेशन ऑफ द यूज माइक्रो कर पहले बात कर लेते, फिर लर्निंग में बात करेंगे। माइक्रो यूज करना आपको तो कुछ चीजों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला कि आपके पास डेवलपर टैब होना चाहिए, नहीं है तो आप फाइल मेनू बार के ऑप्शन पे आए इसके कस्टमाइज रिबन पे, यहां से डेवलपर टैब को ले पहली चीज। दूसरा माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल कीजिए, ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होता है। सर प्रीवियस प्रीवियस डेवलपर पे कैसे एक्टिवेट किए वो थोड़ा बताएंगे? क्या बोल रहे, दोबारा बोलेंगे सर? नहीं सुन पाया मैं। हाँ मैं ये कह रहा हूँ डेवलपर पे कैसे आपने एक्टिवेट किया थोड़ा बताएंगे? हाँ, फाइल मेनू बार के बाद जाइए, फाइल मेनू बार में आपका एक्सेल होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ऑप्शन में नीचे आएंगे तो कस्टमाइज रिबन दिखेगा, कस्टमाइज रिबन पे क्लिक कीजिए और फिर इसमें देखिए डेवलपर टैब, ये अनचेक होगा इस तरह से, इसको चेक कर लीजिए। ओके आया समझ में सर? शेखर जी क्लियर सर, क्लियर सर। ओके दूसरा आपको माइक्रो सिक्योरिटी को अनेबल करना है, जो आपका माइक्रो सिक्योरिटी है उसको यहाँ अनेबल करना है। ये दोनों काम आपको सिर्फ वन टाइम करना है, एक पीसी में एक एप्लीकेशन में सिर्फ एक बार करना है, हमेशा नहीं करना है। दूसरा आप माइक्रो को यूज करने से पहले फाइल को सेव करें माइक्रो अनेबल वर्कबुक में। देखिए बाय डिफॉल्ट आपका फाइल एक्सेल वर्कबुक में सेव होता है डॉट एक्सलेस एक्स के फॉर्मेट में, लेकिन क्या प्रॉब्लम है कि डॉट एक्सलेस एक्स का जो फॉर्मेट है वो माइक्रो डिसेबल फॉर्मेट है। ये किसी तरह का कोडिंग को कैरी नहीं करता है, तो अगर आपने कोड लिखा और उसको सेव कर दिया डॉट एक्सलेस एक्स फॉर्मेट में, तो आपका सारा का सारा कोड डिलीट हो जाएगा। आप भूल के भी इसमें ना करें, किसमें करेंगे? ये आपका एक्सेल माइक्रो अनेबल वर्कबुक, इसका एक्सटेंशन है डॉट एक्सएलएस एम, इसमें करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि होता क्या है कि शुरुआती तौर में हम लोग घंटे 2 घंटे का रिसर्च गूगल शूगल करके हम लोग एक फाइल बनाते हैं, माइक्रो बनाते हैं, माइक्रो को रन करते हैं, माइक्रो अच्छी तरह से रन हो जाता है, हम खुश हो जाते हैं और फाइल से खुश, उस खुशी के जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, फाइल को एक्सेल वर्कबुक में सेव कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है, सारा का सारा माइक्रो लॉस्ट, हमारा मेहनत बेकार, समझे? तो ऐसा कोई हो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉट एक्सएलएस एम ही सिलेक्ट हो,
तो उसके लिए आपको फाइल के ऑप्शन में जाना होगा और यहाँ सेव, सेव पे यहाँ देखिए ऑटो सेव यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि सेव फाइल डिफॉल्ट इन फॉर्मेट, सेव फाइल इन दिस फॉर्मेट, और यहाँ पे आपका एक्सेल वर्कबुक होगा उसको माइक्रो अनेबल वर्कबुक सेलेक्ट कर, ठीक है। अब यहाँ पे एक और प्रॉब्लम आता है कि अगर मान लीजिए कि मेरा नॉर्मल डेटा होगा तो देखिए एक्सेलस एक्स में जो है आपका नॉर्मल डेटा हो या डीवीए वाली कोडिंग हो दोनों सेव की जा सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको यहां से बाय डिफॉल्ट सेट कर देंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात आती है कि हम थोड़ा देर पहले आपको बताए थे माइक्रो सिक्योरिटी के, अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि माइक्रोसॉफ्ट डिफॉल्ट सिक्योरिटी को डिसेबल क्यों रखता है। देखिए डिसेबल रखने के पीछे रीजन ये है कि किसी तरह के वायरस आपके कोड में आ सकते हैं। मुझे एक बार रिसीव हुआ था वायरस, कोई कोड के जरिए एडिंस बना के आपको वायरस भेज सकता है, इसे माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पे डिसेबल विथ नोटिफिकेशन कर दिया है। अगर आप इसको अनेबल कर देते हैं तो ध्यान रखिएगा कि कहीं से फाइल आ रही है तो माइक्रो वाली फाइल को ओपन करने से, अननोन पर्सन की दी गई माइक्रो फाइल को ओपन करने से पहले एक बार सोच लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कंफर्म हो लीजिएगा। अब कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाइल माइक्रो है कौन सा नॉर्मल है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। हम आपको एक फाइल एक फोल्डर खोलते हैं, ये देखिए इसमें जिस जिस फाइल में इस तरह का जो एक्सप्रेशन मार्क लगा है ना वो आपका माइक्रो अनेबल फाइल है, मतलब डॉट एक्सलेस एम। तो इसमें आपका नॉर्मल डेटा भी हो सकता है और आपका वीवी प्रोग्रामिंग भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है अगर इस तरह का डेटा आया हुआ है जिसपे किसी तरह का संबंध नहीं है फाइल का डॉट एक्सएलएस ए, इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग होने की जरूरत नहीं, इस फाइल को आप नॉर्मली खोल सकते हो, इसमें वीवीए का पार्ट होने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वीवीए कैरी ही नहीं करता। लेकिन इस तरह का संबल आया जिसको एक्सएलएस ए मतलब कि एडिंस कहा जाता है, इसमें सिर्फ वीवीए प्रोग्रामिंग है। अगर किसी ने आपको भेजा है डॉट एक्सलेस ए इस तरह के आइकन वाली फाइल को और वो पर्सन अननोन है, आप ऐसी फाइल को खोलने से पहले सोच ले, या मैं तो बोलूँगा खोले ही नहीं क्योंकि इसमें सिर्फ वीवीए प्रोग्रामिंग है, कंफर्म है क्योंकि एक्सलेस ए की फाइल है, ये डेटा कैरी नहीं करता है, सिर्फ कैरी करता है कोड्स को, ठीक है सर शेखर जी। ओके सर, ओके सर, कुछ डाउट तो नहीं है? नहीं सर कोई डाउट नहीं, डाउट भी होगा तो मैं दोबारा चेक करके आपको बताता हूँ सर, ठीक है। अब बात होती है कि हमने वीवी के थ्योरेटिकल पार्ट को जान लिया, वीवी इस्तेमाल करने से पहले क्या क्या करना है वो भी हमने जान लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम जो है सीखने के लिए क्या प्रिपरेशन करें। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिस के लिए घंटे दो घंटे का टाइम होना चाहिए, दूसरा एक्सेल पे अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। अब एक्सेल पे आपकी कितनी नॉलेज है इसका आइडिया मुझे नहीं, तो उसके लिए राइट सर मैं थोड़ा बहुत टास्क रहेगा तो मैं उसके बारे में करके आपको बताऊंगा कि सही है कि मैं उसके लिए मैं आपको एक वीडियो भेज रहा हूँ, 5 घंटे का एक वीडियो है जो कि प्रिपरेशन ऑफ द लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। मतलब कि वीवी आने से पहले सारे फीचर्स पहले से आपको आएगा तो वीवी में अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो 5 घंटे की प्री रिकॉर्डेड वीडियोज है किसी और बैच का जो कि मैंने अभी आपको व्हाट्सअप किया है। अब इसमें से मैं नहीं बोलता कि आप पूरी की पूरी वीडियो को देखें, लेकिन जो पार्ट आपको समझ में नहीं आए उसको एक बार जरूर देख लीजिए, जो पार्ट आपको समझ में आता है उस पार्ट को छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए।
ठीक है सर। ओके सर, ओके। तो इस वीडियो को आप एक बार अच्छे तरीके से देख लें, ओके सर। और उसके बाद अगर टाइम मिले तो एक आर्टिकल आपको पढ़ना चाहिए। जब भी मैंने शुरुआत की थी सीखने का VVA, तो ये आर्टिकल मैंने देखा था excel-vva.com। दिख रहा है सर, excel-vva.com याद भी रहेगा। ऐसे मैं आपको इसका लिंक भी भेज देता हूँ। जी सर, आर्टिकल पे पढ़ना मुझे अच्छा लगता है सर, डाल दीजिए मुझे। जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल में बेसिक वीवीए के बारे में अच्छे तरीके से बताया गया है। ये मेरा आर्टिकल नहीं है सर, किसी और का है, लेकिन मैंने शुरुआती दौर में इसको देखा था तो सीखा था, बहुत अच्छा चीज़ सीखा था, इसलिए मैंने रिकमेंड करता हूँ सारे स्टूडेंट को। ठीक है, ओके सर। हो सके चैप्टर को पढ़ लीजिएगा।